हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर ये क्वेरी मैंने बनाई है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं नेम ऑफ स्टूडेंट में कोई न्यू स्टूडेंट का नाम टाइप करता हूँ, लाइक सुनीता ये टाइप किया हमने, और यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ, लाइक इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ भी यहाँ पे डाल देते हैं, और ये ईयर चेंज कर देता हूं मैं, 2000 मान लीजिए 10 कर देते हैं, ठीक है। अब पता करना है कि इनकी एज कितनी हुई इसके हिसाब से। तो यहां देखिए कुल मिला के 11 साल हुए, तो ईयर में ये एज कैलकुलेट करके दे देता है। अब यहां पे देखिए मैं लिखता हूं रितेश, तो अब यहां पर इनका डेट ऑफ बर्थ चूज करता हूं, तो जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ है वो चूज कर लेते हैं यहां से, लाइक ये चूज कर लिया हमने, और यहां पर लाइक कर देता हूं मान लीजिए 2015 कर दिया मैंने यहां पे, तो इनका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होकर आ गया 6 साल। करंट डेट क्या है हमारी, करंट डेट ये है, देख सकते हैं 7 जून 2021 मंडे है, तो ये 6 साल कैलकुलेट होकर आ गया। और यहां पर अगर आता हूं मैं, तो यहां पर लिखता हूं मैं उमेश, और यहां पर एज सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक कोई भी यहां से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। आप देखिए यहां पर अगर मैं देता हूं तो ये जीरो आ रहा है, क्योंकि यहां पे 2021 रखा हुआ है ना, तो ये 2021 हटाते हैं, इस बार कर देते हैं 1990। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पर 31 साल इनकी एज कैलकुलेट होकर आ गई। तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके लिए एक आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी, ये एक मैंने जो क्वेरी बनाई थी इसके लिए, ये क्वेरी मैं हटा देता हूं, इसके लिए एक डिफरेंट क्वेरी हम यूज करेंगे। लाइक यहां पे क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और ये जो टेबल है इसको ले लेते हैं, ठीक है। हमें नेम की जरूरत है, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, यही दो फील्ड ले लेते हैं। और यहां पर हम ये देख सकता है आपको, ये बिल्डर जो दिख रहा है डिजाइन में, ये बिल्डर, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना है डेट डिफरेंस, डेट डिफ का, तो ये डेट डिफ जैसे डेट टाइप करेंगे तो डेट डिफ दिख जाएगा। और अब यहां पे डेट डिफ का फॉर्मूला हमें कर लेना है यूज, तो कैसे यूज करना है आइए इसको समझते हैं। अब इसमें करना क्या है हमें, देखिए यहां पर सीधे तौर पर हमको ईयर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आपको मंथ कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, लाइक यहां पर मैं अगर ईयर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो यहां 4 times Y लिख देता हूं, ठीक है। इसको डबल इंटेड कोट्स को क्लोज कर दिया, कॉमा दे देते हैं। कॉमा देने के बाद क्या करना है, कॉमा देने के बाद हमें यह पता करना है कि ये किस टेबल से आई है वैल्यूज। तो यहां पर देख सकते हैं डेटाबेस 320 ACCDB, ये फाइल का एक्सटेंशन है ACCDB, यहां पर टेबल आ जाएगा और इसी टेबल से हम उठाने वाले हैं। तो ये टेबल वन में जा करके, और ये डेट ऑफ बर्थ ही हमें कैलकुलेट करना है, तो ये डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब करना क्या है आगे, इसके बाद हमें कॉमा देना है, और क्योंकि हम करेंट डेट से कंपैरिजन करके देखेंगे कि मतलब कितने साल का वो हुआ व्यक्ति, तो इसके लिए 2-day फॉर्मूला आपको एक्सेल में मिल जाता है, लेकिन यहां पर 2-day फॉर्मूला मिलेगा नहीं, यहां पर मिलेगा आपको नाउ फॉर्मूला। तो ये नाउ फॉर्मूला लगा लीजिए और ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज लाइक दिस, ठीक है। अब ये क्लोज कर देने के बाद क्या करना है, यहां सीधे तौर पर ये जो ओके दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दिया, यहां पर चेंज कर देते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं एज, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने एज, तो हम लोग एज ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहां पर रन पे क्लिक कर दीजिए, तो यहां पे देख सकते हैं इन तमाम लोगों का जो एज है वो कैलकुलेट होकर आया। ये देखिए ये क्वेरी 2 है, ये पुरानी वाली क्वेरी जो है क्वेरी 1 के नाम से थी, यहां पर सेम रिजल्ट है, और यहां पर भी सेम रिजल्ट है क्वेरी 2 में।